हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा, सरल ज्योतिष पार्ट टू पे बात करेंगे और आज गुरु के उच्च के होने की बात करेंगे और लघु पारसरी के सिद्धांत पे बात करेंगे। ठीक है भैया, देखो ज्योतिष मुख्य रूप से बनी है लघु पारसरी के मुख्य सिद्धांतों से ही ग्रहों का विश्लेषण होता है। ठीक है, लघु पारसरी के सिद्धांत जिसको सामान्यतः लोग नहीं पढ़ते और कुछ भी उच्च का नीच का पे पिल पढ़ते हैं। अब उनको बोलो पढ़ो तो फिर वो पढ़ना नहीं है, क्योंकि उन्होंने जहाँ से सीखा है उनका गुरु उनको सिखाता ही नहीं। लघु पारसरी और ज्योतिष एक दिन में सीखने वाली विद्या नहीं है। ज्योतिष विद्या सालों परिश्रम करने के बाद थोड़ा बहुत कोई सुराग पता लगता है, कोई सूत्र मिलते हैं, फिर वो उसको लगाता है, अनुसंधान करता है, जब कोई फलित आता है। लेकिन रातों रात 290 में ज्योतिष सीखो, 390 में ज्योतिष सीखो, आप ज्योतिष के हो जाओगे मास्टर। अब ये सिखाने वाला बैठा है और सीखने वाले भी बैठे, और जब हमारे जैसे लोगों को बोलते हैं ये सिखा दो, तो मैंने कहा भैया मैं नहीं सिखा पाऊंगा यार, क्योंकि मैं तो सालों से सीख रहा हूँ, तो तुमको दो चार दिन में कैसे सिखा दूँ। तीसरी चीज, हर एक आदमी ज्योतिष सिखाने लगा तो क्या आपकी ज्योतिष बंद हो गई, फलित करना बंद कर दिया आपने? तो लोगों को अचानक ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए की जब इच्छा हुई तो उन्होंने ज्योतिष सिखाना चालू कर दिए। एक जमाना था ब्राह्मण एक शब्द नहीं बताता था, अपने बेटे को नहीं बताता था, ब्राह्मणों के पास ज्योतिष थी, ब्राह्मण एक शब्द ना बताए, अपने बेटे को ना बताए। अब तो यूट्यूब में सिखा रहा है, वीडियो डाल रहा है, 290 में, 390 में सिखा रहा, कोई 490 में सिखा रहा, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई 1,00,000 का कोर्स। 1,00,000 के कोर्स करने के बाद बोला मैं एडवांस सिखाऊंगा, फिर ज्योतिष एडवांस सिखाऊंगा, फिर ये गोचर एडवांस। फर्जी गोचर जैसी तो कोई चीज होती नहीं दुनिया में यार। गोचर का दो किताब ऐसी है जिसमें गोचर का शब्द लिखा है, कौन सी? एक है फलदीपिका, दूसरी जात का भरणम, दो चार चार लाइन का। ठीक है, तो गोचर भी पूरे वीडियो बन रहे, देख रहे हैं लोग, ये देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। गोचर जैसी फर्जी चीज है यार। मुख्य होती दशा, दशा महादशा अंतरदशा प्राणदशा सूक्ष्म दशा। लेकिन अब क्या करते, कलयुग का आदमी है, उसको कुछ काम की बात बोलो तो माने ना यार, वो कलयुग का प्रभाव है। सीधी सरल बात लोगों को नहीं पल्ले पड़ेगी। सरल ज्योतिष पे बात करते हैं, गुरु पे बात हो रही थी आज, मैंने बोला कि गुरु पे बताएंगे भाई, है ना। देखो एक जातक की कुंडली लगी यहाँ पे ना, जातक की कुंडली में तो ये जातक की कुंडली दूसरी खोलनी पड़ेगी यार, ये बंदे की है और दूसरा ये बंदे की है। तो मैं दो ऐसी आपकी कुंडली से आपको परिचित कराता हूँ जो, हाँ दोनों में देखो उच्च के गुरु हैं, एक ये कुंडली है और एक दूसरा, दोनों में उच्च के गुरु हैं, एक यहाँ पे उच्च का। अब पहले इस जातक की बात कर लेते हैं। ये जातक की चंद्रमा की दशा चल रही है, गुरु की अंतरदशा चल रही है। अब गुरु उच्च का भैया लग्न में, गुरु उच्च का है और यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो गुरु जातक के साथ कोई अच्छी घटना वर्तमान में नहीं हो, तो वृषभ लग्न की कुंडली है जातक की, जातक की चंद्रमा की माँ दशा चल रही। तो भैया देखो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा दशमेश होकर लाभ भाव में बैठा था, कोई बुरी स्थिति क्या? दशमेश होना कोई बुरा है क्या? नहीं भाई, चंद्रमा के बारे में क्या बोलेंगे कि ये चंद्रमा केंद्र में सबसे उत्तरोत्तर बलि केंद्र है दसवा, और उसमें तो गुरु उच्च का ही है, लेकिन दशमेश चंद्रमा स्वयं लाभ में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं साहब? सूर्य की राशि में बैठे हैं, तो सूर्य और चंद्रमा की कोई दुश्मनी नहीं भाई, सम है मान के चलो पंचधा मैत्री से, ठीक है। तो जातक का तो चंद्रमा की दशा अच्छी चल रही, उसके बाद जातक की गुरु की दशा चल रही, गुरु उच्च का है, ठीक है, और तो और D10 में भी उच्च का गुरु, ठीक। तो एट ए ग्लांस हमको लगता है कि बड़ा अच्छा इसका जो है फलित आने वाला होगा, अरे तुम्हारा तो उच्च का बढ़िया है ये और वो। देखो ये गुरु क्या है, लघु पारसरी, लघु पारसरी बोलते हुए तो उपचय होके खराब है और षष्ठेश होके खराब है। क्या 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 उच्च का है, षष्ठेश उच्च का, ऋणी कर दिया, ऋण लिया जातक ने, ठीक है, पूरा का पूरा लघु पारसरी काम करती है, ठीक है। अब वो जातक कहे कि साहब मैं गुरु उच्च का है तो मैं क्या रत्न पहन लूँ? मैंने कहा मैं महाराज गुरु उच्च का है तो आप और लोन लेने की स्थिति बन जाएगी, कहीं आपने पुखराज पहन लिया,
गुरु को और उच्च किया तो आपको लोन लेने की स्थिति बन जाएगी यार। अभी तो ऑलरेडी कर्जा लिए हो गुरु में, जो उच्च का गुरु तो भी आप कर्जा लिए हो। इस तरीके से लघु पारसरी के सिद्धांत मैंने पहले ही बता दिया था जातक को, देखो यार तुम्हारा गुरु बहुत खराब है, भले ही उच्च का, तो मैंने कहा बुरा भाव उच्च का है, बुराई उच्च की है, रोग ऋण बीमारी उच्च का है। तो जातक ने पूरा सुनने के बाद बोला, मैं स्वयं ज्योतिषी भी हूँ और जो है आप सही कह रहे हो कि मैंने इस गुरु जब चालू हुआ तो मैंने लोन लिया, ठीक है, हो गया फलित सही सटीक बिल्कुल, बड़ी बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, गुरु उच्च का है, तेरा तो जे हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, झूठ झूठ झूठ। तो इस तरीके से कलयुग में अच्छा बात चलती है। एक और चीज देखिए, एक और चीज देखिए कि गुरु पुष्य नक्षत्र पे है, सबसे शुभ नक्षत्र पे है, इसके बाद भी कोई अच्छे नतीजे नहीं आ रहे, क्यों? सस्टेस रोग ऋण बीमारी उच्च का हो गया। और जातक कहता है क्या मैं पुखराज पहन लूं, मैंने कतई नहीं पहनना, क्या करना, गुरु के लिए ओम नमः शिवाय का जप करो, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करो, गुरु के जप करो, वेद मंत्र वाले करो, वेदोक्त है या बीज मंत्र वाले करो, ठीक, ये उपाय। पैसा लगा कहीं? कोई पैसा नहीं, ठीक। अब दूसरी कुंडली देखते हैं तो किस तरीके से जातक की दशमेश की दशा थी और उच्च के गुरु की दशा में उसको तकलीफ हुई, क्यों? कि तृतीय और षष्ठेश दोनों उपचय होके खराब है, उपचय का होके उच्च का होना गुरु का ठीक नहीं है, लेकिन वो अपने दुश्मनों से जीतने में या उसके कम्युनिकेशन कला में कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन कला वाला प्लैनेट उच्च का और वो अच्छा करेगा, ट्रेवलिंग की क्षमता, कम्युनिकेशन का अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छा बोलने में माहिर होगा, अपनी बात को रखने में माहिर होगा, लेकिन ऋणी हो गया जातक गुरु उच्च के में, ठीक, ये अच्छा नहीं हुआ। दूसरी कुंडली लगाते हैं, आज ही दोनों की कुंडली मैंने देखा हूँ, ठीक है, दूसरी कुंडली लगाते हैं, गुरु महाराज अष्टमेश होके उच्च के हो गए, सबसे बुराई सबसे उच्च की है, गुरु क्या है, अष्टमेश है, मृत्यु भाव का मालिक, सबसे बुरा ग्रह वो उच्च का हो गया है, और लाभेश उच्च का हो गया, तो लाभेश उच्च का हो गया तब तो कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन अष्टमेश होके उच्च का हुआ, जातक की गुरु की दशा चल रही है और शनि की अंतर दशा चल रही है, शनि नवमेश है कुंडली में, लेकिन केवल केवल भावार्थ रत्नाकर वाली बोलते हैं, भावार्थ रत्नाकर किताब कहती थी कि वृषभ लगन की कुंडली में शनि बहुत अच्छे फल नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि शनि की ना मकर राशि नवम भाव में है और मकर राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि नहीं है, तो मूल त्रिकोण राशि तो केंद्र में चले गई, तो शनि इसमें एवरेज फल देगा, एवरेज फल देगा, मैंने ऐसा देख लिया, तो मैंने तो ये भी देख लिया, मेरे को ये तो रटी हुई थी तो मैंने आकलन कर लिया यार ये सिद्धांत इसमें लागू हो रहा है, और मैंने ये भी देख लिया कि यार ये नीच में भी है D9 में, देखो तो जो ग्रह नीच के होते हैं D9 में वो भी अच्छे फल नहीं देते, तो जातक को बहुत आर्थिक प्रगति नहीं हो रही है, ठीक है, जातक के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और विवाह को लेकर बड़ी समस्या आ रही, शनि के साथ चंद्रमा है, देखो शनि के साथ जब चंद्रमा होगा तो पुनर्भू योग बनता है, क्या होता है ये पुनर्भू योग, ये ऐसा योग है कि जातक के विवाह में विलंब कराता है, विवाह में विलंब करा रहा है, कई बार ऐसा होता है कि जातक का विवाह टूट जाता है या जातक का उस लड़की से विवाह होता है जो ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक, पुनर्भू योग, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, ठीक, तो ये भी फलित हमारे बिल्कुल सही आए, ठीक, हम समझ गए थे यार कि ये तो नीच का तो खराब फल देगा। दूसरा, शनि और चंद्र को मंगल भी देख रहा है तो बहुत डिप्रेशन, लड़ाई झगड़े विवाद की स्थिति, ठीक, सारी घटना धर्म भाव पिता भाव में हो रही, तो धर्म के खिलाफ बोलना, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ के बोलना, अपने हिसाब से शादी करने की बात करना, परंपराओं से हट के शादी करने की बात करना, और पिता से वैचारिक मतभेद, ठीक, देख रहे हो किस तरीके से गुरु उच्च के भी होके कितना ये तकलीफ की स्थिति अपने आप में बना रहे हैं, ठीक है, तो कोई ग्रह उच्च का हो तो वो हमेशा अच्छे फल देगा, कोई जरूरी नहीं, तो इसमें गुरु उच्च का वो तो प्रभाव नहीं आ रहा, मेन है इसमें शनि, शनि नवमेश होने से बहुत अच्छे फल देना चाहिए शनि को कायदे से, लेकिन शनि D9 में नीच के हैं और शनि वृषभ लगन की कुंडली में बहुत शुभ फल नहीं देते, कारण क्या है, कारण ये है कि शनि की जो मकर राशि वो नव भाव में, यदि उसकी जगह कुंभ राशि होती तो शायद वो बेहतर होती, ठीक है, लेकिन कुंभ राशि होती तो शनि की एक राशि अष्टम भाव में भी होती, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कारणों से कई बार जातक की दशा अच्छी नहीं होती, ठीक है,
और इन सब में जैसे कि फल अच्छे नहीं आते, तो ऋषि पारसर ने ग्रहों के मंत्र जपने की बात कही है। मंत्र जपने से लाभ होगा, ठीक है, ना कि आपको कोई दूसरे ऐसे उपाय करने चाहिए जो कि आपके लिए ज्यादा कष्टप्रद हो, खर्चे प्रद हो, आपके बजट से बाहर जा रहे हो, ठीक है। तो ये थी गुरु के उच्च की बात। और वृषभ लग्न की कुंडली में शनि महाराज किस तरीके से अपने घर में बैठ के अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्रहों की लीला है, कौन सा ग्रह कब अच्छे फल देने लगे, कब नहीं देने लगे। 17 जनवरी से शनि महाराज राशि बदल रहे हैं और तमाम वीडियो बन रहे हैं, पागलपन की कमी हद नहीं है। अरे शनि कुंभ में जा रहा है, अपनी राशि में जा रहा है, तो गोचर है भैया, आता जाता है यार। क्या बोला, गोचर का नाम, गोचर से दो किताब मिल गए, एक तो फलदीपिका मिल गया, जातक भंड में बहुत थोड़ा सा लिखा है, फलदीपिका में लिखा है, ठीक है। तो भैया गोचर से ज्यादा मत डरो, और 7.5 ही हर एक मामले में सबको खराब फल नहीं देती। यदि शनि आपका, शनि आपकी कुंडली में अच्छा है, भिन्नाष्टक में अच्छे वर्ग में बैठा है और सर्वाष्टक में उसे अच्छे बिंदु मिले हैं, शुभ ग्रह उसको देखते हैं, केंद्र में बैठा है, पंच में बैठा है, पंच में इसमें, नौ में इसमें बैठा है, अच्छी स्थिति में है, D9 में अच्छा है, D10 में अच्छा है, तो ये शनि आपको, शनि की 7.5 आपके लिए उस अर्थ पे लाभप्रद होगी जब आपकी दशाएं अच्छी हो। जब आपकी विंशोत्तरी दशा अच्छी चल रही है तो 7.5 ज्यादा नुकसान नहीं करती। यदि आपकी विंशोत्तरी दशा काफी खराब चल रही है और 7.5 शनि भी छठे आठ भाव का मालिक है और खराब है और लघु पाराशरी से अच्छा नहीं है शनि, तो कष्टप्रद हो सकता है। यदि वो भिन्नाष्टक में और सर्वाष्टक में अच्छे बिंदुओं के साथ है, शुभ ग्रह देखते हो, अच्छे भाव का मालिक हो, तो शनि अच्छे फल देगा। अंधाधुंध शनि के 7.5 के नाम पे जो डर पैदा किया जाता है, उस डर से आप लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि भारत में बेरोजगारी है, लोगों को पैसे कमाने हैं, ठीक है, काम धंधे दूसरे हैं नहीं है, वो बनते नहीं है, नरेगा में मजदूरी करेगा नहीं, लात मार के इंजीनियर भगा देगा, वहां लूटपाट करेगा, तो वो भारत की गरीब जनता को डर बता के धन लूटना चाहता है। क्यों भाई, नरेगा में क्यों काम नहीं करते, गोलगप्पे की दुकान क्यों नहीं खोल लेते आप, ठीक है, आप ज्योतिषी क्यों करते हो, लोगों को लूटते क्यों, क्यों, भारत सरकार ने आपको खुली छूट दे रखी है, लूट लो भैया, लूट, कहीं FIR नहीं होगी, कोई कहीं थाने में जाओ, महाराज जी मेरे को ना एस्ट्रोलॉजर ने डरा के मेरे से 60,000 रुपये ले लिया, तो थानेदार बोलेगा भैया कोई FIR नहीं लिखूंगा, भारतीय दंड संहिता की कोई भी धारा आपकी निकाम नहीं करती, धर्म के नाम पे लूटना लूट लो, आजादी है। इसीलिए लोग बिल्कुल निर्भय होके अनाप शनाप बता के बिना जिम्मेदारी से, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, साहब मेरे घर आए थे, मैंने ले लिया, मैंने पूजा करा दी, इसके जप करा दी, जप के पैसे ले लिए, ठीक है। तो ये चलता रहेगा, अभी तो कलयुग के 5,000 वर्ष ही पूरे हुए हैं, कलयुग चलेगा 4,32,000 वर्ष पहले, अभी तो क्या क्या नहीं तमाशे होंगे, ज्योतिष के नाम पे, वास्तु के नाम पे, और कुछ नई नई चीजें और निकलेगी अभी, ठीक है, नए नए और भी नए नए तमाशे इस तरीके के निकलेंगे कि यार तुम्हारे घर की नाली गंदी है, नाली तो गंदी रहेगी रे भाई, नाली साफ कर लो, बोले तुम्हारे घर में वो वहां ऐसा रखा है, अच्छा, तो ऐसे नए नए तरीके चलेंगे अभी, अब देखते जाओ तमाशे देखो, ठीक है। भयभीत होने से बचें, गंदे वीडियो ना देखें, जो एस्ट्रोलॉजर आपको किताबों का रेफरेंस नहीं देता तो कमेंट में लिखो, लिखो बता कहाँ लिखा है ऐसा, रेफरेंस भी लिखो, ये बता रहा है तो कहाँ से लिखा है, कोई ऋषि मुनि नहीं है, कोई किसी को नहीं बन रहा ज्योतिष पोते, सभी ऋषि पाराशर ने लिख गए, ऋषि पाराशर ने अष्टक वर्ग अध्याय में लिखे कि कलयुग में मूर्ख होंगे मानव, इनको ज्योतिष के फलित नहीं बनेंगे, और सही बात है, नहीं बनते हैं। तो इतना बोल के मैं अपना वीडियो को विराम देना चाहता हूँ, और मैं मेरे देखने वाले समझने वाले सबसे बोलता हूँ कि आप डरे ना, ज्योतिष डराने की विद्या नहीं है। ऋषि पारासर महाराज ने ये ज्योतिष लोगों को डराने के लिए नहीं बनाई, लोगों के भले करने के लिए बनाई। और तो और ये जब सारा वाली जैसा महान ग्रंथ कहता है, अरे भैया ये तो गरीबों के लिए नहीं थी एस्ट्रोलॉजी, ये एस्ट्रोलॉजी राजाओं के लिए थी, तभी तो बोलते थे सोने की मूर्ति बनाना और मूर्ति बना के पूजा करना और ब्राह्मण कर्मकांडी को दान देना। अब भला मैं सोने की मूर्ति बनाऊं और पूजा करूं कर्मकांडी, इधर लेके जा कालर पकड़ लेंगे कर्मकांडी के, ले आ भैया मेरी सोने की मूर्ति, मेरा विष्णु मैं पूजा करूंगा, तू क्यों ले जाएगा भाई, क्यों क्यों मेरे को एक ही दिन पूजा करनी है, रोज पूजा करनी भगवान विष्णु की,
तो इसलिए बोलते थे राजाओं की ज्योतिष थी, भैंसी दान, गाय दान, बकरा दान। अरे कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी यार, समझा करो यार। कितने अच्छे थे ऋषि पारस हमारे, बताओ। ऋषि पारस ने विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, दुर्गा सप्तशती का पाठ। अब मार्केट का एस्ट्रोलॉजर ये बताने लगेगा तो उसका पूरा बेचारे का धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए वो ये सब नहीं बताता, वो बोलता मोती पहन लो, मेरे पास से ले लो, और मैं ही सबसे अच्छा बेचता हूँ, बाकी बाजार में नकली बेचते हैं। मैंने देखा कि ग्राहक भी कैसा, कस्टमर भी कैसा, जातक भी कैसा। उच्च के गुरु का वो मेरे से रत्न पूछ रहा था। जब ऋषि पे पारासर बोलते हैं कि भाई तेरा तो गुरु उच्च का हो गया है, तेरा गुरु उच्च का हो गया, ये देखो 10 में हम उच्च गुरु गए, तो आप क्यों पहनना चाहते हो? उच्च के गुरु के बाद ऋषि पारासर ने कोई श्रेणी ही नहीं बनाई कि इससे भी कोई बेहतर ग्रह होता है क्या, इसके बाद भी आप उसका रत्न पहनना चाहते हो। तो ये कलयुग का मानव जिसकी मति भ्रम है, हो चुकी है, मति भ्रमित है, और ये अपनी भौतिक लालसाओं को प्राप्त करने के लिए, अपने बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए, बड़ी कार खरीदने के लिए, बड़े शहरों में फ्लैट खरीदने के लिए, और भौतिक संसाधन जुटाने के लिए, लगातार प्रमोशन पाने के लिए, बड़ी बड़ी जगहों पे मॉल खोलने के लिए, धन साधन एकत्र करने के लिए, अपनी सुविधाएं बढ़ाने के लिए लगातार धन की तलाश में है। और जब उसके धन के तलाश करने में बाधाएं होती है, धन नहीं मिलता है, तब तो वो फिर उच्च के गुरु होने पर भी बोलता और पहन लूं क्या मैं गुरु का पुखराज, एक पुखराज से जरूरत नहीं पड़ू क्या, मैं रत्ती बढ़वा लूं क्या, क्योंकि दिमाग में कीड़ा है। ठीक है, ज्योतिष आपके प्रतिदिन के काम धंधे में कहीं ना बाधक है ना साधक है, ना बाधक है ना साधक है। सारावली ने लिख दिया है ज्योतिष राजाओं के लिए बनी है। सावधान होके सुने समझें और चीजों को अमल में लाएं, ईश्वरी भक्ति से ग्रह शांति होती है बिना पैसे के। भारत के 90% एस्ट्रोलॉजर कोई भी कंपटीशन पास नहीं कर सकते, कोई भी पास नहीं कर सकते। इसीलिए सरल तरीके से बेरोजगारी से बचने के लिए एस्ट्रोलॉजर बन गए, बेरोजगारी से बचने के लिए वो वास्तुशास्त्री बन गए। भयंकर लूटपाट का माहौल है, आपको बचना होगा। यदि आप लूटपिट गए तो थानेदार शिकायत नहीं लिखेगा, ज्योतिष पे वास्तु पे लूटपाट पर थानेदार के पास कोई भी आईपीसी अप्लाई नहीं कर सकता, वो कोई कानून ही नहीं बना है, समझ गए? तो 18 मिनट का ज्ञान मैंने दे दिया हूँ। फिर मैं कहता हूँ ना कमेंट करने की जरूरत है, ना शेयर करने की जरूरत है, ना लाइक करने की जरूरत है, केवल देखो सुनो मानो, और अपने भाइयों को, भतीजियों को, बहनों को, भाभी को, आस पड़ोस को, लोगों को, जहाँ पे भी वो लुटते पिटते हैं उनको बोलो कि ये दिनेश शर्मा जी का वीडियो देख लो, ये आपके ज्ञान चक्षु को खोल देगा। ऋषि पारासर आज होते तो बहुत शर्मा जाते, घर में छुप जाते कि मैंने इसलिए ज्योतिष बनाई थी कि जैसे क्लासिन को शर्म आती, AK-47 बना दिया, किसके हाथ में गई, आतंकवादी के हाथ में गई, फौजियों के हाथ में भी गई, तो फौजी तो देश का भला करते, राष्ट्र के लिए लड़ते, आतंकवादी गलत गतिविधियों में अपनी गन का यूज करते, बदनाम क्लासिन को होता, AK-47 का जनक। उसी तरीके से ज्योतिष के जनक ऋषि पारासर बदनाम होते, लुटेरे फुकट में ज्योतिष को बदनाम करते, काल सर्प योग नहीं, काल सर्प योग लाते धन कमाते, 1965 के पहले कहीं काल सर्प योग था ही नहीं। ठीक है, तो ऋषि पारासर ने काल सर्प योग नहीं लिखा, ऋषि पारासर ने मंगल दोष नहीं लिखा, बताओ कितने महान ऋषि थे। और तो और हमारे वर्तमान के ज्योतिष इतना लोगों को डरा डरा के ऐसे पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो जब यदि आप अच्छी चीजों का प्रचार करोगे, आप गलत बात नहीं करोगे, और आप भी अच्छे सदचरित से रहोगे, धार्मिक धर्ममय तरीके से पैसे कमाओगे और नैतिकता से पैसे कमाओगे, तो कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। ज्यादा ही लंबी चौड़ी पूजा करने की जरूरत नहीं है यार, यदि मैं नेक नियति से रहता हूं ना, तो मेरे को क्यों यार इतने बड़े बड़े जप करूं, बड़े बड़े जप करूं मैं क्यों करूं यार, जब मैं किसी का बिगाड़ता ही नहीं हूं कुछ, मैं सादगी से रहता हूं, सरलता से रहता हूं, मैं किसी को अपशब्द नहीं बोलता, किसी को गाली नहीं देता, अवैध धंधे नहीं करता मैं, और तू मुझे क्यों डरना?
अभ्यम सत संसुंदी ज्ञान योग व्यवस्थी व्यवस्थिति दानम दम चयाग्ञ आर्चवम। तो अभय किसको? गीता का 16 अध्याय, 16 अध्याय का पहला श्लोक अभ्यम सत संसुद्धि, अभ्यम सत संसुद्धि ज्ञान योग दमश्च। अभय जो व्यक्ति ईमानदार है वही अभय है, जो व्यक्ति ईमानदार नहीं है वो भय में रहेगा, भय भीति सताएगी उसको। तो इस तरीके से ये हमारा 20 मिनट का लेक्चर खत्म हुआ। ठीक है, तो ज्योतिष चर्चा के नाम पे आपसे बातचीत हो जाती है। ठीक है, फिर बोला मैंने आपको कोई काम नहीं दिया है, ना कमेंट करना, ना लाइक करना, ना शेयर करना, किसी को कोई काम मैं नहीं बताता। हाँ, भगवान का भजन करना, ठीक है, हरि का नाम लेना, गीता पूरी श्रीमद् भागवत में कई बार आया है, और श्रीमद् भागवत में नहीं, ये चीज आपको महाभारत में मिलेगी भी, गीता में मिलेगी, और हर एक उपनिषद में भी मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी? वेद में मिलेगी, श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम। तो जो भगवान के नाम 24 आवर्स स्मरण करते रहो, सब ग्रह शांति हो जाएगी। ठीक है, और रामचरितमानस में भी नवधा भक्ति है, उसमें भी यही कहा जाता है कि भगवान भक्त कलयुग में, और कलयुग में तो यार नाम जप से भगवान की सिद्धि हो जाएगी, कितना सरल है ना, कहाँ बड़े बड़े यज्ञ करना, तमाशे करना, नाम जप माला में जप करो ये। ठीक है, ये काम बताता हूँ, मैंने कमेंट शेयर लाइक ये चिकलसनी बंद हो गई, क्या करना है? माला में जप करना है, आनंद से रहो, टेंशन किसी की लफड़े में मत रहो। भौतिक लालसाएं, बड़े टारगेट पे थोड़े कम करो, अपनी उपलब्धि तो सबको चाहिए। वैध तरीके से धन कमाना क्या बुरी बात है क्या? नहीं, वैध तरीके से धन कमाना बुरी बात नहीं है। ठीक है, यदि मैं वैध तरीके से धन कमाना चाहता हूँ तो बिल्कुल बुरी बात नहीं है, यदि मैं अवैध तरीके से धन कमाना चाहता हूँ वो बुरी बात है, तब मुझे कष्ट होंगे। ठीक है, इतना बोल के मैं अपने वीडियो को विराम देना पसंद करूँगा। उम्मीद है कि मेरी जो बात ये खरी खरी है आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की लाइन में आगे बहुत सारे तमाशे होने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे गंदे गंदे योग है ज्योतिष में। ठीक है, उसको दिखा दिखा के, उसको दिखा दिखा के, उसको बता बता के, आपकी कुंडली में ये योग तो नहीं है, आपकी कुंडली में वो योग तो नहीं है, अरे आप क्लिक करके देखो, अरे साला मेरी कुंडली में तो है, कैसा कहूँ, शनि के साथ बुध तो नहीं, नपुंसक तो नहीं हो जाऊँगा मैं, ऐसे दिमाग में कचरा भर देगा आपके, डर जाओगे, डरा लेगा, पैसे ले लेगा, परेशान हो जाओगे, होना कुछ नहीं है। अभ्यम अभय रहो, अभय तब रहोगे जब आप ईश्वर की शरण में होगे, तब भगवान भगवान के जब अनन्य भक्त बनोगे आप। ठीक है, भगवान के जब अनन्य भक्त बनोगे तो गीता में बोलता लिखा 9:22 में, योग क्षेम वहाम्यम, तब मैं तुम्हारा योग क्षेम वहन करूँगा। अब ये श्लोक बड़े काम के श्लोक है, इसको कोशिश करो कि इन कुछ श्लोकों को जीवन में याद करो तो बड़ा काम आएगा। मैंने जैसे कि अपना यही बना लिया है, ठीक है, मैं अपना कंप्यूटर में लिख लिया है, मैंने ऊपर ही ये लिखा है, अनन्य चिंतित मायु जना पर उपास्ते तेसा नियुक्त भिक्तनाम योग क्षेम वहाम्यम। फिर गीता में आगे लिखा है कि मनमना मऊ मद भक्तो, मनमना मऊ मद भक्तो मद्दाजी माँ नमश करु माम एव एससी युक्त्या एम आत्मना मत पराणा। फिर बोलता सतत कीर्तन तो भगवान का, फिर बोलता सर्वधर्मान परित्यज मामिकम शरणम भज, सभी धर्मों को, मतलब काम धंधे छोड़ के, उल्टे सीधे काम छोड़ के, उल्टे सीधे काम छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, जो काम करने हैं, जो नियत कर्म है, जो करने योग्य कर्म है, घर में चूल्हा जलाना, खाना बनाना, माता पिता की सेवा करना, बच्चों की शादी करना, काम धंधे फैक्ट्री जाना, पेट पालना, वो सब चलता रहेगा, गलत काम छोड़ के मेरी शरण में आओ। ठीक, तब मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, योगक्षेम वहन करूँगा, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। और फाइनली भगवान कृष्ण कहते हैं आखिरी आखिरी जो गीता के 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थे धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिम। मुझे याद नहीं, लिख के वो देख के बोल रहा हूँ, मेरे तो संस्कृत ऐसे भैया टूटी फूटी है, हिंदी भी टूटी फूटी है, अंग्रेजी भी टूटी फूटी, हूँ ईमानदार लेकिन। ठीक है, तो जहाँ कृष्ण है, जहाँ धर्म है, वहाँ नीति है, वहाँ विजय है। ठीक है, इस तरीके से कुछ श्लोक याद कर लो, और मनमना मत मऊ भक्तो मद्दाजी मना मश करो, मेरे भक्त बनो। और तो और भगवान और जो उसमें कहते हैं, अपि चेतुस दुराचारे भजते मन माम अनन्य भाग, जो व्यक्ति चोर उचक्का गांजा बेचने वाला वो भी भगवान के भजन कर लेगा तो साधु जैसे रिस्पेक्ट मिलेगी उसको। इसलिए बोलता हूँ गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, जितना बड़ा धर्म का लेक्चर देने वाला है सबने गीता पढ़े हैं। ठीक है, तो ये बात तो खत्म, रात भर नहीं होगी।
फिर मैं बोलता हूँ कि जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला है उसे डरने की जरूरत नहीं है। तो शनि इधर जाए कि शनि उधर जाए, शनि मेष में जाए कि कुंभ में जाए, कहीं जाए, सूर्य नीच का हो कि उच्च का हो, जो व्यक्ति साधु प्रवृत्ति का है, किसी का नैतिक गलत काम नहीं करता है, उसको गोचर से डरने की जरूरत नहीं। हरे कृष्णा।